हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग सी सेट्स का कैलेंडर्स टॉपिक पढ़ेंगे। एवरी ईयर इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। 2021 में इससे तीन क्वेश्चन आया था, तो सी सेट में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अपने कैलेंडर और घड़ी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने घर में अपने डेली यूज करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखने होते हैं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डेज ईच मंथ में कितने होते हैं। जैसे आपको पता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सात महीने ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। फिर अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये चार महीने ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। फिर फरवरी ऐसा मंथ है जिसमें नॉन लीप ईयर में 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ये फर्स्ट आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। सेकेंड क्या पता होना चाहिए आपको? सेकेंड आपको पता होना चाहिए एक महीना, जैसे कि जनवरी एक मंथ है, तो वो महीने में कितना डेज होता है? 31 डेज होता है। तो उस डेज को अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा? जैसे कि 3 बचेगा। तो ऐसे हर मंथ में 7 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर बचेगा? जनवरी में 3 बचेगा, फरवरी में नॉन लीप ईयर में 0 बचेगा, लीप ईयर में 1 बचेगा, मार्च में 3 बचेगा, ऐसे दिसंबर तक निकाल लेंगे। एक टेबल बना लिया आपने, आप खुद से निकाल के बनाइए, आपको ध्यान रहेगा। इस तरह से जितने भी 31 डेज के मंथ है, यानी कि 7 मंथ जो होते हैं वो 31 डेज के होते हैं, उनमें 3 रिमाइंडर बचेगा। 30 डेज के मंथ 4 होते हैं, उनमें रिमाइंडर 2 बचेगा। लीप ईयर मंथ में जो है रिमाइंडर 1 बचेगा, नॉन लीप ईयर में 0 बचेगा। ऐसे आप याद कर सकते हो रिमेंबर रखने के लिए, अगर आपको याद रखना तो। अच्छा, तो टेबल बना सकते हो एग्जाम में डायरेक्टली जाके, एक आध 30 सेकंड लगे मैक्सिमम। पर अगर नहीं बनाना आपको लगता है एग्जाम में 30 सेकंड वेस्ट नहीं करना है, ऐसे आप याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा आपका। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपका इसका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। तो देखिए, थर्ड प्रिंसिपल जो आपको ध्यान होना चाहिए वो ये है, इच डे ऑफ अ वीक, सपोज आ संडे है, जैसे सपोज आ 26 मार्च है और आ संडे है, तो अगला संडे 2 अप्रैल को होगा। और आप देखो 22 से लेकर 2 अप्रैल तक हम लोग जाएंगे तो 7 डेज पड़ता है। एवरी 7 डेज में वीक का कोई भी डे रिपीट होता है। जैसे संडे है, इसका मतलब 19 मार्च को भी संडे था, आप कैलेंडर खुद का चेक कर सकते हो। 2 अप्रैल को भी संडे है, 9 अप्रैल को भी संडे है, 16 को भी संडे है, 23 अप्रैल को भी संडे है, 30 अप्रैल को भी संडे है। ये प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस थर्ड प्रिंसिपल के बेस पे ही हमें सेकंड प्रिंसिपल का जरूरत पड़ेगा। ये डिवाइडिंग में 7 हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कभी हमें पूछ दिया, समझ लिया आज 26 मार्च संडे है तो 2099 में संडे कब पड़ेगा, 2099 में पहला संडे कब पड़ेगा, या फिर 2099 में मार्च महीने में संडे कब पड़ेगा। तो आप इसी प्रिंसिपल के आधार पर निकाल सकते हो सेकंड नंबर। ये उसका थ्योरी है, ये फिजिकल पार्ट है। फिर फोर्थ प्रिंसिपल आपको क्या पता होना चाहिए कि एवरी ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। ये बात आपको और जरूरी पता होना चाहिए कि कौन सा ईयर लीप ईयर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2004 वॉज अ लीप ईयर, 2008 वॉज अ लीप ईयर, 12 वॉज अ लीप ईयर, 16 वॉज अ लीप ईयर, 20 वॉज अ लीप ईयर, 24 विल बी अ लीप ईयर। इस तरह 2100 तक आप देखो 96 और 21 को भी लीप ईयर होगा, क्योंकि सब 4 से डिविजिबल है, उसके आगे भी लीप ईयर बनते रहेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कोई भी साल है, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, 2023 लीप ईयर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिविजिबल बाय 4 नहीं, लीप ईयर निकालना आपको आना चाहिए। वेरी फंडामेंटल, जस्ट मैं बार बार इम्फोसाइज कर रहा हूँ ताकि आपको ये सब ध्यान रहे। ये चार प्रिंसिपल आपको पता है कैलेंडर के बारे में, तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो कैलेंडर का सवाल आता है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एडवांस प्रिंसिपल भी है, पर अगर वो अपने बताने लगेंगे, देखने लगेंगे ना, तो थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा, वो एग्जाम का पर्पज सर्व नहीं कर पाएगा आपके लिए। तो समझने के लिए जो हमने थ्योरी देखा उसको समझने के लिए क्विक एग्जाम्पल देख लेते हैं। समझ लीजिए, फाइंड द डे ऑफ फर्स्ट संडे इन 2025। आपको पता करना है 2025 में पहला संडे कब पड़ेगा। जैसे आपको पता है 26 मार्च का संडे है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सिंपल, आपको रिमाइंडर कॉन्सेप्ट यूज करना है। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा? 7 का रिमाइंडर पढ़ा ना, कि कोई भी नंबर ऑफ मंथ को डिवाइड करेंगे उसमें नंबर ऑफ डेज से कितना रिमाइंडर आएगा, इस प्रिंसिपल को आधार बना के आपको यूज करना है। और ये जानना आपको एवरी 7 डेज वीक का डे रिपीट होता है। तो सिंस आज 26 मार्च है, संडे है, तो अगला संडे कब होगा? 2 अप्रैल। तो ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, पर आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। पर सोचिए 2025 तक में 82 संडे के आप गिन पाओगे, तो मैकेनिकल प्रोसेसर पर उससे आंसर गलत नहीं आएगा, पर वो मैकेनिकल है, काफी टाइम टेकिंग है। एक सिंपल मेथड क्या है जिससे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले हम लोग देख लेते हैं मार्च महीने में कितना दिन बाकी है, क्योंकि अभी संडे का बात किया गया है। कोई भी गिवन मंथ रहेगा ना, उस मंथ का रिमेनिंग डेज पहले काउंट कर लीजिए। तो मार्च महीना अभी चल रहा है, तो इसका रिमेनिंग डे एक्स मान लेते हैं, उसको 5 बोल देते हैं। 5 है सिंस 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बचा है, तो 5 दिन बाकी है, क्लियर हो गया। अब देखिए, सिंस आपको 2025 में पूछा है और अपने 2023 में है, तो ऐसे जब भी पूछा जाएगा तो जो गिवन ईयर है उसको स्किप करके, 23 को स्किप करके और 25 जिसमें पूछा है हम लोग से, उसको स्किप करके जो बीच में जितने भी रिमेनिंग ईयर्स बचे हैं उन सब का अपने रिमाइंडर ऊपर वाले प्रिंसिपल से निकाल लेंगे, ये वाले प्रिंसिपल से। ये हम लोग प्रिंसिपल देखे 7 से डिवाइड करके, तो इसको जब हम लोग मंथ वाइज निकालेंगे ना,
उसको क्यूमुलेटिव हम लोग ईयर वाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिमाइंडर बचे मंथ में उनको ऐड कर देंगे, फिर उनको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ईयरली रिमाइंडर आ जाएगा। तो कोई भी नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर बचेगा 1 और कोई भी लीप ईयर में रिमाइंडर बचेगा 2। ये बात अगर आप सॉल्व करके समझ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिए। ये याद करने से बेनिफिट ये होगा आपका बहुत सारा कैलकुलेशन एग्जाम के टाइम बच जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा मैकेनिकली गिनती करने में लग जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। याद रखना फायदेमंद है, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए। अब देखिए 2023 और 2025 इनके बीच में कितना ईयर बाकी है जो हम लोग देखने वाले हैं। 2024 खाली इकलौता ईयर बचा है। अब ये लीप ईयर है कि नहीं है? लीप ईयर है, लीप ईयर इज देयर। इसका मतलब उसमें रिमाइंडर कितना आएगा 7 से डिवाइड करने में, जितना भी नंबर ऑफ डेज है उसमें इसका रिमाइंडर आएगा 2। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2023 में जो भी डे पड़ेगा 24 दिसंबर 2024 में उससे 2 दिन आगे पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बार, थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2023 को संडे पड़ता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, वैसे संडे ही पड़ता है। तो उसका मतलब यह है कि 2024 जो होगा उसका जो 31 दिसंबर होगा उस टाइम ट्यूजडे पड़ेगा, इस प्रिंसिपल के आधार पर। बस यही है प्रिंसिपल बोल रहा है। ये आपको निकालना जरूरी है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि फर्स्ट संडे कब पड़ेगा 2025 में। हम लोग देख लिए 2024 में 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसको 2 लिख के यहाँ भूल जाते एक बार। हम लोग ये क्या पता कर लिए मार्च में 5 दिन बच रहा है, इसका 5 लिख के भी यहाँ भूल जाते एक बार। फिर अपने को ये समझना है इस साल 2023 में जो रिमेनिंग मंथ्स है, रिमेनिंग मंथ कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब का रिमाइंडर मिला के कितना होगा ये बताना आपको। अब देखिए कोई भी मंथ दिया रहे, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग मार्च का बात कर रहे हैं, कभी समझ लिए जून दे दिया, तो आपको अगस्त से स्टार्ट करके मंथ काउंट करना, क्योंकि आपको तभी एग्जैक्टली पता चलेगा ना रिमाइंडर कितना इस साल में, ताकि उसको 7 से डिवाइड करके हम लोग चेक करें कि इस साल के अंत में कितना तारीख होगा, कि कौन सा वार होगा। ये प्रिंसिपल हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो रिमाइंडर है इसमें 2 है, ये रिमाइंडर 2 भी हम लोग यहाँ नोट कर लिए। बस हम लोग आज से लेकर 26 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का सारा दिन गिन लिए, 7 से डिवाइड कर दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया 5 + 2 + 2 यानी कि 9। अभी 9 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो इसका मतलब क्या है, आज से 26 मार्च जो भी वार है, संडे है जैसे कि, तो 31 दिसंबर 2024 में कौन सा वार होगा, इससे 2 दिन आगे यानी कि ट्यूजडे होगा। हम लोग पहले भी चेक कर लिए हैं, ट्यूजडे ही होगा। तो ये बात क्लियर हो गया। इसका मतलब फर्स्ट संडे 2025 में कब होगा, आपको इतना पता चल गया 31 दिसंबर 2024 ट्यूजडे है। तो बताइए फर्स्ट संडे 2025 में कब होगा, इसके 5 दिन बाद, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जनवरी 2025 जो है वो पहला संडे होगा साल का। ये हम लोग इससे निकाल लिए। ठीक है, सिंस मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया ये, तो आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, पर सिंपल आपको रिमाइंडर निकालना है कितने नंबर ऑफ दिन है। आज 26 मार्च से लेके 31 दिसंबर 2024 तक कितने नंबर ऑफ डेज आपको काउंट करना है, उसको 7 से डिवाइड करना है, जितना रिमाइंडर आया उस हिसाब से आप निकाल लोगे कि 2025 में पहला संडे कब है। बस यही प्रोसेस है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप लगेगा। इसके लिए अगर आप ये चीज 2-3 चीज याद रखोगे, जैसे मैंने पहले बताया थर्ड प्रिंसिपल और ये सेकंड प्रिंसिपल आप ध्यान रखोगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। और ये लीप ईयर वाला प्रिंसिपल यूजफुल आता है इसके, अगर ये लीप ईयर वाला ध्यान नहीं रखोगे ना, आपका आंसर बाई 1 इधर ही उधर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए चारों प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किए हैं, एक फर्स्ट कि एक महीने में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, उसके बाद ये 3 प्रिंसिपल जो इस पेज में लिखा है, ये चारों पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं।